हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है रोस्टेड चना दाल की चटनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले तवा को गर्म होने देंगे। उस पर हम डालेंगे 5 से 6 टीस्पून ड्राई किसा हुआ नारियल। उसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। नारियल को गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो उसे एक बाउल में निकालेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ लिया है करीब 100 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चना दाल। उसे मिक्सर जार में डाल देंगे। मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके ग्राइंड करेंगे। हमें यहाँ पर रोस्टेड चना दाल का फाइन पाउडर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे चना दाल का पाउडर बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 2 कटी हुई तीखी हरी मिर्च, इमली आपके स्वाद के अनुसार, आपका रोस्ट किया हुआ नारियल और एट लास्ट नमक स्वाद अनुसार। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। वापस उसे ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी चटनी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाएं जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल।